हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो रेनो 11 प्रो 5G में आप अलार्म कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्लॉक ऐप में चले आना है। क्लॉक में जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अलार्म वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। तो अलार्म सेट करने के लिए आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइमिंग सेट कर लेनी है अलार्म के लिए। तो मैं यहाँ पर टाइमिंग सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 बजे का टाइम सेट कर दिया और यहाँ पर AM सेलेक्ट कर लेंगे। तो टाइमिंग सेट हो चुकी है। अगली ऑप्शन है रिंग वंस की। तो अगर आपको एक बार के लिए अलार्म सेट करना है तो रिंग वंस पर रहने देना है। अगर आपको डेली या फिर और दिनों के लिए अलार्म सेट करना है तो कस्टम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर डेज सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिल जाएगी। तो आपको जिस जिस दिन के लिए अलार्म चाहिए आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद अगली ऑप्शन रिंगटोन की। रिंगटोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी रिंगटोन मिल जाएगी। आपको जो भी रिंगटोन अच्छी लगी आपको उस पर क्लिक कर देना है, रिंगटोन सेट हो जाएगी। आपने अगर सॉन्ग्स वगैरह कोई सेट करना है इंटरनल स्टोरेज से तो ऑन दिस डिवाइस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से कर सकते हैं। अगली ऑप्शन है वाइब्रेशन की। अगर आपको वाइब्रेशन चाहिए अलार्म में तो इसे ऑन कर देंगे, नहीं तो इसे ऑफ कर देंगे। तो नेक्स्ट है स्नूज। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से ऑन कर देना है। इसका फ़ायदा यह है कि जब भी आपका आपके फ़ोन का अलार्म एक बार रिंग करेगा, आप बंद नहीं कर पाएंगे या उठ नहीं पाएंगे, तो एक बार फिर से रिंग करेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। तो अलार्म सेट हो जाएगा।